नंदनी क्या हुआ? क्या हुआ नंदनी को? मैं पानी लेके आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, नंदनी होशियार है नंदनी। नब्स मिल रही दादी। अच्छा नंदनी, नंदनी क्या हुआ नंदनी को? नंदनी आकाश, ये क्या तरीका हुआ? ये तरीका नहीं, अकल की बात होती है। अगर इंसान को बिजली का झटका लगता है तो कम से कम 25 मिनट तक पानी नहीं पिलाते, अगर पिलाया तो जान जा सकती है। बड़ा बोल रही थी, चार कंधों पे जाएगी, चार कंधों पे। ये तो गोद में उठा के ले गया उसे, पता नहीं कैसे बच गई। ऐसा झटका खाने के बाद तो बड़े बड़े धुरंधर ढेर हो जाते हैं, ये कैसे बच गई पता नहीं। ये चंटो मैया धुरंधर से कम नहीं है, हर बार बच जाती है। मुझे तो लगता है कहीं इस नंदनी के अंदर बिल्ली की आत्मा तो नहीं, हर बार हमारे वार से पार हो जाती है ये। कैसे लग रहे हो? ठीक लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अंग्री जी रुक। क्या हुआ? हमारी उंगलियां नहीं मुड़ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे जान ही ना बची हो। अरे क्या हो गया दादी? इसकी इसकी उंगलियां नहीं मुड़ रही। क्या उंगलियां नहीं मुड़ रही? बेटा कोशिश करो। आकाश कहीं बिजली के झटके से लकवा तो नहीं मार गया? लेकर आए थे ऐसी गिटार? ये तो वही इलेक्ट्रिक गिटार है ना जो आज आकाश नंदिनी के लिए गिफ्ट लेकर आया था, और इसे ही छूकर बेचारी नंदिनी मौत के मुंह में पहुंच गई। कहीं इस गिटार को लाने के पीछे आकाश की नंदिनी को मारने की कोई साजिश तो नहीं? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन कल जब मैं आकाश के साथ लाइब्रेरी गई थी तो उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो बस सुमित्रा दादी की वजह से उसे एक मजबूरी की तरह झेल रहा है। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? कुछ सुना ही हो रहा है। दादी? हाँ दादी, मुझे लगता है इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें
सुई से बहुत डर लगता, हम कहीं नहीं जाने वाले। आप एक काम कीजिए, हमारे लिए काढ़ा बना कर लाइए जिसमें हल्दी और गरम मसाला, और लेप भी बना कर लाइए हल्दी वाला। हाँ ठीक है, हम लेकर आते हैं। दादी आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर आप क्यों इस देसी इलाज में विश्वास कर रही हैं? मेरी मानी इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। आप हमारी बात तो सुनिए, हम पे विश्वास तो कीजिए, सच में ठीक हो जाएगा। आप लाइए ना काढ़ा। आकाश हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। मैं काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ, रुको। दादी क्या आप वो बात जानने की कोशिश नहीं करेंगी कि नंदिनी को बिजली का झटका कैसे लगा? क्यों, तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ दादी, शक तो बहुत पहले से था लेकिन धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। नील घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधा सीधा बताओ। दादी नंदिनी को जो बिजली का झटका लगा उसके पीछे कोई और नहीं, उसी का पति आकाश है। दादी हाँ? दादी आप यहाँ बात करने में लग गए, उधर उसकी तबीयत खराब हो रही, लाई दीजिए मैं लेके जाता हूँ। अच्छा तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि दादी आकाश नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ आपके डर की वजह से उसके साथ मजबूरी की जिंदगी जी रहा है। आकाश नंदिनी से 1% भी प्यार नहीं करता है दादी। हम मानते हैं कि आकाश के दिल में नंदिनी के लिए प्यार नहीं है, लेकिन सद्भावना जरूर है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अपनी नफरत में नंदिनी को मारने की हद तक नहीं जा सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है ना, चलो मेरे साथ। कहीं भगवान ने हमारी सुन तो नहीं ली, हमारी तरह अंग्रेजी हीरो भी हमका प्यार तो नहीं करने लगे? वरना ये तो हमसे इतनी नफरत करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ काहे करेंगे? अगर आकाश नंदिनी को मारना चाहता था तो फिर वो उसकी सेवा क्यों करेगा? उसकी आंखों में आंसू है और मन में फिक्र। हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल आकाश के दिल में नंदिनी के लिए प्यार हो ही जाएगा। जैसे सपनों के बगैर आंखें अधूरी होती है, आकाश नंदिनी के बगैर और नंदिनी आकाश के बगैर। दादी कहने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं दावा करता हूँ आकाश एक ना एक दिन नंदिनी को जरूर छोड़ देगा, पर ये रिश्ता कभी कामयाब नहीं होने वाला। तुमने कह दिया और हमने सुन लिया। हम तुमसे ये दावा करते हैं कि आकाश और नंदिनी का रिश्ता जरूर कामयाब होगा। ये सिर्फ इस जन्म का नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दादी। ऐसा ही होगा नील। बताएं कमियां। अरे सासू आप क्या कर रही है? देख लिया अब उस सपनी, मेरी
की गोबर बुद्धि वाली साजिश को। मेरी की उस गिटार वाली साजिश की वजह से आज नंदिनी और आकाश एक दूसरे के और करीब आ गए। हमने तो सोचा था इन दोनों को अलग कर देंगे, लेकिन अब तो वो एक दूसरे के हमजोली बन गए। अब हम क्या करेंगे कमिया? मुझे तो लगता है ये चंटो मैया ना अपनी किस्मत सोने के कलम से लिखवा के आई है, तभी हमारी हर साजिशों से हमेशा बच के निकल जाती है। पर एक ना एक दिन इसकी किस्मत इसे जरूर धोखा देगी। तब तक हम साजिशें रचते रहेंगे। एक दिन उसका किस्सा जरूर खत्म होगा। अरे आप यहाँ नंदिनी से नफरत कर रही हो और वहां नील नंदिनी के प्यार में पागल बना हुआ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेटे नील को उस चंटो के प्यार में मजनू बनते हुए नहीं देख सकती। नील और नंदिनी की जोड़ी से क्या हमारा कोई फायदा हो सकता है? अंग्रेजी हीरो ने रात भर हमारे हाथों में मालिश की और इसी की वजह से हमें सिकुड़ी हुई नसें भी खुल गई। आज का दिन तो बहुत खास है हमारे लिए, कहे कि शादी के बाद आज पहली बार हम और अंग्रेजी हीरो एक साथ एक बिस्तर पर सोए हैं। तो ब्यूटी पेजेंट से लेटर आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है। चाची ये मेरा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा है इस पे, क्या है ये? कैसे बोलूं कि मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हो गया है? वो
अरे वो से आगे भी बढ़ोगी? वो चाची मुझे ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखने की टिकट मिली है, मेरी फ्रेंड उसी में काम करती है ना, तो वही है। मैं चलती हूँ, देखती हूँ। ये प्रिया कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अंग्रेजी रूप केले वाला शरबत पी के तैयार हो जाइए। दादी माँ ने सबको मंदिर में बुलाया। ये ट्रे तुमने इस हाथ से उठाया? हमने कहा था ना आपसे, लेप से और काढ़े से सब ठीक हो जाएगा। आप खामखा घबरा रहे थे। चिंता मत कीजिए, अभी भी पुरानी वाली जान ही बाकी है। क्या खुशखबरी है इस चिट्ठी में? क्या लिखा है? सच सच बताओ वरना सुमित्रा चाची को दे दूंगी ये चिट्ठी। चाची मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हो गया है। क्या तुम इस हालत में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लोगी? एक चीज तो तुम्हें दिखाना ही भूल गई। अच्छा एक काम करो, जरा अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तो दिखाओ। चाची मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। चाची मैंने ना प्रेगनेंसी का झूठ बोला था ताकि मुझे ना घर का काम ना करना पड़े, मैं आराम कर सकूं और घर का सारा काम ज्योति भाभी करे और मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकूं। प्लीज चाची प्लीज, आप किसी को ये बात मत बताना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। चाची मैं आपको मार छूती हूँ। चाची प्लीज, चाची सुमित्रा दादी मुझे मार डालेगी। चाची चाची किसी को ये बात मत बताना, सुमित्रा दादी मुझे मार डालेगी। प्लीज चाची अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ आ गए। दादी माँ आपने हम सबको साथ में काहे बुलाया? इसलिए क्योंकि कल छठ है और वैसे तो हर साल हम रखते हैं, लेकिन इस साल दवाइयों के कारण हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि परिवार की कोई एक बहू इस साल ये व्रत कर ले। वो दादी हम रख लेते व्रत, पर क्या है ना खाली पेट ना हमारे सर में बहुत दर्द होने लगता है, इसलिए हम तो नहीं रख पाएंगे। दादी मैं तो दिल से रखना चाहती हूँ लेकिन। नहीं नहीं तुम मत रखना, उपवास बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं भी रख लेती व्रत लेकिन वो
खाए बिना मुझे भूख लगती है ना, मेरा मतलब चक्कर आते, इसलिए मैं भी नहीं रख पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर हम ही ये रख लेते। दादी माँ परेशान काहे हो रही है, इस साल इस घर से छठी मैया का व्रत हम रखेंगे। नंदनी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सारे दिन भूखे प्यासे कैसे रहोगे? जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भूख महसूस नहीं होती। हम रख लेंगे दादी माँ। नंदनी तुमने छठ के व्रत के लिए हाँ कहा है, इसलिए ये हार हम तुम्हें देना चाहते हैं। दादी माँ ये लो बेटा। दादी माँ लो बेटा, आज से ये तुम्हारा है। लो बेटा, ये तो बहुत बेशकीमती हार है। ये व्रत बहुत कठिन है और तुम्हें निर्जला रहना पड़ेगा। हमें मंजूर है दादी माँ, छठ मैया के लिए तो हम पूरी जिंदगी दे सकते हैं, इसलिए हमें 36 घंटों का व्रत जरूर रखेंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम 18 घंटे भूखे प्यासे नहीं रह सकते, तुम 36 घंटे कैसे रहोगी? हम नंदू है और नंदू सब कुछ कर सकती है, आप चिंता मत कीजिए, हम रख लेंगे। जीते रहो। बेटे को पूरा आशिक बना दिया है इस कवार की फली ने। तूने मेरे बेटे को अपने प्यार में डुबाया है ना, अब मैं तुझे छठ के दिन पानी में डुबा के मारूंगी, और इस बार तो तू मौत से बिल्कुल नहीं बच पाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।